हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एडेनियम की सीडलिंग के केयर के बारे में 15 पॉइंट्स पर बात करूंगा, ताकि हमारी सारी सीडलिंग बची रहे और हम अपने सीडलिंग को एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट कर सकें। एडेनियम सीडलिंग पॉट को 40 से 45 दिन तक उसी एयर टाइट पॉलीथीन बैग में या कंटेनर में रखना चाहिए। दोस्तों, जिस पॉलीथीन में या कंटेनर में सीडलिंग ग्रो करता है, उसके अंदर अपना एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिडिटी होती है। इस एनवायरनमेंट में सीडलिंग की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और दोस्तों, इन 40 से 45 दिनों में हमें थोड़ा ये ख्याल रखना होगा कि जब हमारी सीडलिंग ग्रो कर रही है तो इसकी लीफ पॉलीथीन से टच ना हो। अगर वो टच होगा तो वहाँ से वो लीफ सड़ने लगेगी, रॉट हो जाएगी। तो इसके लिए हम झाड़ू के तिनके या और कोई पतली डंडी लगा के अपने सीडलिंग के लीव्स को पॉलीथीन से दूर रखेंगे। सीडलिंग पॉट को अचानक से पॉलीथीन से या कंटेनर से बाहर ना निकालें। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा छेद कर देंगे ताकि एयर सर्कुलेशन होने लगे। उसके बाद हम इसके पॉलीथीन को ओपन करेंगे और तब तक हम इसे सेट में रखेंगे। फिर धीरे धीरे इसे हम डायरेक्ट सनलाइट में ले जाना शुरू करेंगे। जब तक सीडलिंग इस पॉलीथीन में रहेगा, तब तक ना हमें वाटरिंग करनी है और ना ही हमें फर्टिलाइज़र देना है। जब सीडलिंग में 6 से 8 लीफ हो जाए, तब हम अपने सीडलिंग को रिपॉट कर सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 मंथ तक अपने सीडलिंग को इसी में रखिए, जब तक ये सारी सीडलिंग पूरे स्पेस को कवर ना कर ले। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सीडलिंग को 4 से 6 मंथ तक रिपॉट ना करें, तो आप इसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऐसा मीडिया और ऐसी टेक्निक बताई है जिससे आप एडेनियम सीड को जल्द से जल्द जर्मिनेट कर सकते हैं और आपको 6 मंथ तक रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कभी भी सीडलिंग को इस तरीके से खींच के ना निकालें। इसके लिए आप किसी स्पून का इस्तेमाल करके इस तरीके से स्पून से ही निकालें, और ताकि हमारे सीडलिंग का रूट डैमेज ना हो। सीडलिंग को रिपोर्ट करने से पहले अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें। अगर उसमें कोई डिजीज़ या कोई रॉट हो तो सीडलिंग को अलग रख दें या फेंक दें। सीडलिंग को रिपोर्ट करने के लिए हम पोरस, बेल ड्रेन और न्यूट्रिशन रिच मीडिया तैयार करेंगे, जिसके लिए हम 3 पार्ट कंस्ट्रक्शन सैंड, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून एंटीफंगल पाउडर लेंगे और 1 टेबल स्पून बोन मिल लेंगे। जब भी हम सीडलिंग को रिपोर्ट करने वाले हों और स्पून से जब हम सीडलिंग को निकालेंगे, तो सीडलिंग की रूट बॉल के साथ ये मीडिया भी लगा रहेगा। तो कभी भी इस मीडिया को हटाइए ना, जो प्रीवियस मीडिया हो उसी के साथ हम अपने सीडलिंग को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग के बाद कभी भी अपने मीडिया को किसी पॉलीथीन से या एयर टाइट कंटेनर में पैक ना करें, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो प्लांट का एनवायरनमेंट होगा वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और उस टाइम हमारे सीडलिंग के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब सीडलिंग को रिपोर्ट करेंगे तो आप ये वाइट पोर्शन देख रहे होंगे, थोड़ा लाइट कलर का, हमेशा इसको यहाँ तक अंदर रखिए। वाइट पोर्शन हमेशा मीडिया के अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे या यहाँ तक अगर इसको मीडिया में रखेंगे तो हमारे सीडलिंग के डिहाइड्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीडलिंग्स को कोशिश करें कि आप स्प्रेयर की हेल्प से ही पानी दें, तेज़ प्रेशर देके पानी ना दें। और हमेशा सीडलिंग को इवनिंग में ही पानी दीजिए, मॉर्निंग में कभी मत दीजिए। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम मॉर्निंग में इसे पानी दे दिए और किसी ऐसी जगह पे हम रखते हैं अपने सीडलिंग को जहाँ पे 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, तो ये मीडिया का ऊपर वाला लेयर है ये तेज़ी से गर्म होना शुरू कर देगा, तो हमारे सीडलिंग में यहाँ पे रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मीडिया को बहुत ज़्यादा गीला ना रखें या बहुत ज़्यादा ड्राई मत रखिए, इसमें आप थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखिए। आप अपने मीडिया को टच करिए, अगर आपका मीडिया आपके हाथ से नहीं चिपकता है, जैसे ये देखिए ये नहीं चिपक रहा है, तो इस टाइम हम इसमें वाटरिंग करेंगे। और जब भी वाटरिंग करिए तो एकदम अच्छे से वाटरिंग करिए ड्रेनेज होल से पानी बाहर आने तक। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद सीडलिंग को डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, इसे 10-15 दिन तक शेड में रखिए। उसके बाद इसे पहले इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में लाइए, फिर धीरे धीरे इसे डायरेक्ट सनलाइट में लाइए। रिपोर्टिंग के एक मंथ के बाद हम अपने सीडलिंग को लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, जिसके लिए हम NPK 1919 या हम सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है या गाय के उपले से जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो हम दे सकते हैं। दोस्तों, आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए, इससे आपका सीडलिंग अच्छे से ग्रो करेगा और आप अपने सीडलिंग को मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने गार्डन लवर फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करिए या आप फेसबुक पे मुझे मैसेज करके अपने डाउट पे डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।